हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं कॉलीफ्लावर पोहा, जिसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कॉलीफ्लावर, हरी मिर्ची, ग्राउंडनट्स, प्याज, नींबू, कड़ी पत्ता, हल्दी, नमक और राई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कॉलीफ्लावर पोहा। कॉलीफ्लावर के डंठल को हम काट के पानी में 4-5 मिनट के लिए उबाल लेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब हमने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। हमने थोड़ा सा बटर भी ऐड कर दिया है, 1.5 इंच के करीब। ऐड करेंगे 1 टीस्पून राई, 1 तो हमने कटे हुए प्याज और करी लीव्स को ऐड कर दिया। नाउ वी आर एडिंग 1/4 टीस्पून हल्दी एंड 1/4 टीस्पून रेड चिलीज। हम ऐड कर रहे हैं हरी मिर्ची एंड रोस्टेड पीनट्स। अब हमने गोभी जो ग्रेट करके रखी थी इसमें ऐड कर दी है। में 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसे कवर कर देंगे पकने के लिए करीब 5 मिनट के लिए। अब हम ऐड कर रहे हैं नमक 1 चम्मच, आप आपके टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। वी हैव आल्सो एडेड डंठन जो हमने गर्म पानी में बॉईल करके रखे थे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। Now we are adding lime. और अब हम इसे पकने के लिए 2-4 मिनट और रख देंगे। कॉलीफ्लावर पक चुकी है, हमने गैस बंद कर दी है और हमने इसे गार्निश कर दिया है विद कोरिएंडर लीव्स। चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। हमारा कॉलीफ्लावर पोहा तैयार है। नॉट ओनली इट्स वेरी डिलिशियस, इट्स वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस ऑल्सो। आप खा के देखेंगे तो बार बार बनाएंगे। आई होप आपको ये डिश पसंद आई हो। हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए थैंक यू। मोर इन माई नेक्स्ट वीडियो। कीप वॉचिंग शाखा। टेक केयर।